मधुबनी जिला के लोखा थाना क्षेत्र स्थित सोहरबा गुमती के समीप सोमवार मध्य रात्रि पूर्व पत्रकार के घर भीषण लूटपाट से आसपास के इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। जी हां, गृह स्वामी कृत्य नारायण यादव के अनुसार उनका बेटा अभिषेक कुमार एवं सॉफ्टवेयर इंजीनियर मध्य रात्रि के बाद अपने लैपटॉप पर काम कर रहे थे कि उन्हें किसी को अंदर आने की आहट मिली। उन्होंने जब गौर से देखा तो करीब आधा दर्जन से अधिक हथियार बंद अपराधी दिखाई पड़ा। उन्होंने तुरंत दूसरे कमरे से उनको जगाया। तब तक अपराधी उनके ट्रैक्टर ड्राइवर नेपाल के राम बाबू यादव को अपने कब्जे में ले लिया और उनके साथ मारपीट करते हुए गृह स्वामी को दिखाने को बोला। इस बीच सभी लोग उनके बूढ़े पिताजी के कमरे में आकर छुप गया। तब तक अपराधियों ने घर के चार कमरों को तोड़कर जमकर लूटपाट की। वही अपराधी घर में रखे सिलबट से चोट मारकर उनके पिताजी के कमरे तक भी पहुंच गया। वही श्री यादव ने अपने पिता की चौकी के नीचे छिप गए और वहीं से लोखा पुलिस को फोन कर दिया। थाना नजदीक होने के कारण पुलिस तुरंत ही घटना स्थल पर पहुंच गया, लेकिन जैसे ही पुलिस टीम गाड़ी वहां पहुंचा तो अपराधियों ने उनके आगे बम फेंक दिया, जिससे धुएं का गुबार उठ गया और वे लोग भागने में सफल रहे। इसके साथ आपको बता दें कि अपराधी चार दीवारी फांद कर दाखिल हुए थे और घर में रखी बैठने की मच्छियों को एक पर दूसरी रख कर बाहर निकल गए। दर्ज मामले में बेटी की शादी के लिए रखे करीब 2.5 लाख रुपये के सोने और चांदी के जेवरात, 2 लैपटॉप, 1 रोलेक्स सहित 3 गाड़ियां तथा 24,000 रुपये नकद लूटे जाने की बात बताई है। थाना प्रभारी धनंजय कुमार के अनुसार सुबह में घर के आसपास का मुआयना किए जाने पर 2 जिंदा बम बरामद किए गए। वहीं अपराधियों के नेपाल के होने का कयास लगाया जा रहा है, क्योंकि जिस पेपर पर बम बनाया गया वह नेपाली भाषा का है। पुलिस छानबीन में जुट गई है। सोमवार देर रात पूर्व पत्रकार की यहां हुई भीषण डकैती के विरोध में सैकड़ों लोगों की यहां लोखा स्टेशन चौक को पूरी तरह से जाम कर दिया गया है। NH 51 पर टायर जलाकर प्रतिरोध किया गया, जिससे घंटों आवाजाही बंद रही। वहीं आक्रोशित लोगों का कहना था कि लोखा में बार बार घटना घट रही है, इस तरह की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। 1 महीने के अंदर यह दूसरी घटना बताई जा रही है। एक घटना ज्वेलरी की दुकान में है और दूसरी घटना अनिल अग्रवाल के घर में डकैती हो गई है, लेकिन उन घटनाओं के अपराधियों को पकड़ने में पुलिस को अब तक कोई खास सफलता नहीं मिली, जिससे लोगों में दहशत बढ़ती ही जा रही है। जाम में शामिल लाल बाबू यादव, अरविंद कुरमेता, उमेश घोष, शंभू बद्री नारायण राम आदि शामिल थे। 15 दिनों के अंदर अपराधियों के पकड़ने के आश्वासन पर जाम हटाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार 24, सच से सामना।